अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्चुअल में अप्लाई किस किस के ऊपर होता है, कौन कौन वो पर्सन है जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। सो इनकम टैक्स की डेफिनेशन कहती है इट अप्लाइज ऑन द पर्सन, कि पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, और फिर उसमें बताया गया है कि वो एक्चुअल में पर्सन होते कौन कौन है। मतलब अभी उसमें तो सिंपल कह दिया ना कि पर्सन के ऊपर होता है। अब पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन कवर है उसको हम देख लेते हैं। एक्चुअल में एक बस शॉर्ट में बताओ क्रिस, पर्सन के अंदर हर कोई एप्लीकेबल है, यानी कि इनकम टैक्स ना सबके ऊपर ही लगता है, बहुत रेयर कोई होता है जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, एप्लीकेबल तो सबके ऊपर हो जाता है। फिर उनके रेट अलग अलग है कि हाँ किसी पे कुछ रेट पे टैक्स लगता है, किसी पे किसी रेट पे लगता है। सो नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या हो गया, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन? आप और मैं, मतलब सिंगल पर्सन। आपकी सैलरी से इनकम हो गई, मेरी सैलरी से इनकम हो गई, या किसी भी तरह से इंडिविजुअली मैंने कोई काम करा है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा इनकम टैक्स, क्योंकि मेरे ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। सैलरी पे करते हैं ना तो इंडिविजुअल तो याद रहेगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है HUF, ठीक है। HUF में क्या होता है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। तो ये मतलब अगर मैं वैसे बात करता हूँ तो ये सिर्फ हिंदूज के ऊपर लॉ अलाउ है। तो वो क्या करते हैं, फैमिली बिजनेस जब आपका रहता है ना तब HUF आप फॉर्म करते हैं। तो HUF के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अगर HUF बना रखी है आपकी, कोई HUF है, सो आपके ऊपर भी इनकम टैक्स अप्लाई हो जाएगा। फिर फर्म, अभी देखिए नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज में जब बात करते हैं ना तो हर किसी को हम कंपनी बोल देते हैं। हम क्या कहते हैं, अरे ये भी तो एक कंपनी है, हमारी एक कंपनी है। सो अगर मान लीजिए किसी की एक शॉप है ना तो हम उसको भी कहते हैं तो इसकी कंपनी है, सो ऐसा भी हम बोल देते हैं। बट लीगली अगर मैं देखूं ना तो कंपनी में फर्क होता है, फर्म के अंदर फर्क होता है, HUF में फर्क है, इस वजह से सब अपने आप में डिफरेंट है। एक होती है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, पहली नोट करना होगा, नोट कर सकते हो आप, जैसा बोलता जाऊंगा उसको नोट करते रहना। ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर चाहो तो एक चार्ट टाइप में आप बना सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर हेडिंग ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी क्या है, आपके पास प्रोप्राइटरशिप है। सबसे पहले क्या है, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पे जनरल वर्ड हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। इंडिविजुअल वो हो गया, ये प्रोप्राइटरशिप वो हो गया जहां पे सिंगल पर्सन है, उसने अपनी आप ही बस बिजनेस स्टार्ट कर दिया। प्रोप्राइटरशिप के लिए हमें कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके लिए कोई हमारे लिए ऐसा लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग छोटे छोटे एक्ट्स हैं, उनमें आप चाहो तो रजिस्टर करा सकते हो, बट वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। जैसे GST, GST में अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, आपकी वो जो टर्नओवर की लिमिट है वो सब क्रॉस हो रही है, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना है, वरना नहीं कराना है। ऐसे ही फिर हमारा उद्योग आधार होता है, MSME रजिस्ट्रेशन, आपको लगता है कराना है कराओ, नहीं कराना है ना कराओ, आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सो इस तरह से वो ऑप्शनल है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं होता। तो वो सिंगल पर्सन है, मेरा मन करा मैं अभी कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, मैंने स्टार्ट कर दिया, क्लियर हुआ। स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी, हाँ सबसे पहले ये स्मार्शियस है, ठीक है, स्मार्टियस नहीं है, स्मार्शियस है प्रोनाउंसिएशन इसकी। सो स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी है, मेरा मन करा कि एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, इसका ऑनर सिर्फ और सिर्फ मैं, ठीक है। मैं इसको लीगली अपने आप से डिफरेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या इसको एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे किसी और के साथ मिलकर कोई कंपनी बनाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने इसका एक नाम दे दिया अपने इंस्टीट्यूट को, स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी, प्रोप्राइटरशिप में मेरा क्या हो गया, स्टार्ट। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप, उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पे ना दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं तो सभी तो पार्टनर बनेंगे ना, अकेले आप में पार्टनर तो ना बन जाओगे, ठीक है। सो दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर पार्टनर करते हैं, बिजनेस में पार्टनर बनते हैं और अपना वर्क करना शुरू करते हैं। तो इसमें ना रजिस्ट्रेशन होता तो इसमें भी ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं इसको कहूंगा ये किसके अंदर कवर हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। तो पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप बिना चाहे रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हो, बट सजेस्ट किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कवर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कंपनी। देखिए सीक्वेंस में भी यहाँ पे लिखा है ना, कंपनी आता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी का ना फॉर्मेट पूरा स्ट्रक्चर अलग होता है, लीगल स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है, यहाँ पे सिस्टम ही बिल्कुल अलग है इनके। कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, दो तरीके की कंपनी आती है,
और तीसरी हम 1% कंपनी भी कंसेप्ट है तो वो भी हमारा आ जाता है। सो कंपनी का स्ट्रक्चर अलग है, वो वहां पे क्या है, वहां पे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जैसे रिलायंस वगैरह होगी तो ये क्या है, कंपनीज है। HUF मैंने आपको बता दिया, AOP BOI इनको अभी डिस्कस करेंगे। लोकल अथॉरिटी मतलब हो गया कि कोई आपके एरिया में कोई लोकल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट से सेंक्शन जैसे अथॉरिटीज हो जाती है, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसको भी अभी हम आगे कवर करते हैं। इतना क्लियर हुआ, यहां तक डन है। चाहो तो बाकी में इनको तीनों को, इन सबको भी लिख सकते हो, चारों पांचों को। बाकी मेन ऑर्गेनाइजेशन मेरी तीन होती है, प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। वैसे तो फिर एक ट्रस्ट भी हो जाती है, तो वो सब भी हमारे इसके अंदर कवर हो जाती है। चलिए अब देखिए इसमें यहां पे भी क्या मैंने मेंशन करा है, देयर इज वेरी थिन लाइन इन AOP एंड BOP। मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ ना ऐसे नॉर्मल, तो AOP और BOP सेम ही होते, ज्यादा फर्क नहीं होता। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पर्सन ना आपस में मिलकर कुछ काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कोई एक ग्रुप बना लिया अपना। सो इसका अभी आप कहोगे कि सर पार्टनरशिप में भी यही हो रहा है, कंपनी में भी हो रहा है, हाँ सब में हो ही रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर लीगल रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी और AOP BOI मिलकर क्या कर सकते हैं, अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, AOP कहेंगे। और जो हमारा देखो इसमें क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैन कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। जो BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नाम ही है ना इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, आपने मैंने मिलकर कोई काम करने के लिए ग्रुप बना लिया। सो वो हमने एफ ने आपको एज ए BOI रजिस्टर कर दिया। सो हमारा क्या होगा, हम BOI कराएंगे। तो प्रैक्टिकली आपको BOI और AOP देखने को रेयरेस्ट केस में मिलते हैं, चांसेस ना के बराबर होती है। फिर इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पर केस भी आपको बहुत रेयर चांस है देखने को। इफ एन SSE इज नॉट बीन एबल टू पुट अंडर द परव्यू ऑफ एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज ऑफ डिफाइंड लिस्ट पर्सन, अगर कोई भी पर्सन ऊपर की किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI या फिर आपकी कंपनी, ये सब नहीं हो पा रहा है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, तो मैं उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर कर दूंगा। एज पर्सन डिफाइंड उसको क्या करा जाएगा, देन इट इज रिगार्डेड एज AJP। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल नॉट मेंटेन बाय एनी ट्रस्ट, जैसे मंदिर हो गया, जो नॉर्मल मंदिर है वो किसी ट्रस्ट के अंदर कवर्ड ही नहीं है, तो वो भी क्या होगा, वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा और उसके ऊपर भी इनकम टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्लियर हुई ना। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअल में अप्लाई किस किस के ऊपर होता है। क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है। सो देखिए एक बार मैं कहूंगा कि जितने भी ये कंटेंट है ना, इनको नोटिंग करते रहना। ये पूरी की पूरी आपकी जो स्लाइड है, ये मैं आपको क्या करूंगा, नोट्स सेक्शन में आपके वहीं पे आपको कोर्स के बीच में एक फोल्डर मिल जाएगा नोट्स, वहां पे अपलोड कर दूंगा। इसका आप प्रिंट नहीं ले पाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप उसका प्रिंट ना लें। रीजन भी होता क्या है, जब हम प्रिंट ले लेते हैं ना, तो वो प्रिंट लेके एक तरफ रखा रहता है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने हिसाब से नोटिंग करें। जैसे मैंने अभी आपको उसका बताया ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे नहीं लिखा, स्किप हो गया, यहाँ पे लिखने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी। बताते बताते अभी मुझे लगा कि नहीं, आपको चलो एक एक्स्ट्रा चीज इनकम टैक्स से थोड़ा सा बाहर का पोर्शन है बट डिस्कस कर लेना चाहिए, तो आपने वहीं पर नोटिंग कर लिया। तो जो भी कंटेंट है आप इसको नोट करिए, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी लैंग्वेज के अपने हिसाब से, अपने चार्ट ग्राफिकल पोजीशन में बनाना है, जैसे भी करना है अपने हिसाब से इसको नोट करिए। और कभी भी हेजिटेट मत करिए, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी, जो भी आपको आती है ना उसमें लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए ना। दोबारा जब भी पढ़ो आपको क्लियर होना चाहिए ना, आपकी कॉपी ना तो मैं कोई देख रहा हूं ना किस कोई और देख रहा है। अगर मैंने इसको हिंदी में लिखा, मुझे हिंदी नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश में लिखा बट मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, मदर, भाई बाय बट बोलते रहे, उसमें कैसी हेजिटेशन, क्यों हम इंग्लिश को एक फिर ऐसा मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। सो अभी हम भी बात किस में कर रहे हैं, हिंदी में, तो ओके है ना। सो अगर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में लगता है कि नहीं मुझे ये ओके, तो लिखो उसमें, कहीं पे इंग्लिश में भी लिखा है आपको लगता है एक बार एक्सप्लेन कर दो, वो लिखो। मैंने जो बताया आपको लगता है कि नहीं इतना पढ़ के मुझे क्लियर नहीं हो रहा, सर ने कुछ एक्स्ट्रा बात बताई, वो भी नोट कर लूँ, उसको नोट डाउन करो। जब आप अपनी मेहनत से एक बार नोटिंग करोगे ना, सो आपको अपने आप ही उसकी वैल्यू होगी, और वो जब दोबारा भी देखोगे ना एकदम समझ में आएगा, प्रिंट लेके क्लियर नहीं होगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए कुछ चाहिए होगा, कंटेंट चाहिए होगा, तो मैं आपको रेफर कर दूंगा, बुक्स आती हैं, CA की बुक है, उसमें बहुत, इससे भी मतलब बहुत डिटेल में कंटेंट मिल जाएगा आपको,
बट वो तभी है जब आप इसको कवर कर लेते हो और आपको लगता है कि मुझे इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल का कुछ पढ़ना है, तो वो अदरवाइज सब चीजें मैं यहाँ पे आपकी कवर करा दूंगा। उससे बाहर की आपको प्रैक्टिकली एकदम इनिशियली जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, आप कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, ओके।